हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने अपने इस छोटू से गोलू के साथ आज मैं आपके सामने अपना एक टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, आपसे इस बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि एज अ पर्सनली एज अ मदर मेरे साथ भी ये चीज़ रिलेट कर चुकी है। वो क्या है, ये मेरा दैट्स माई यंगर सन, और इसको क्या चीज़ का प्रॉब्लम था, इसका जो स्पीच डिले था, मीन्स मैंने ये चीज़ पिछले 2 सालों से एग्जामिन भी करी कि अगर ये चीज़ की प्रॉब्लम मुझे आई, तो कहते हैं ना, जब पेरेंट्स को अपने बच्चों में कोई चीज़ की कमी दिखती है तो वो आगे और रिसर्च करता है उसके बारे में, तो मैंने भी ये चीज़ के बारे में और ज़्यादा एग्जामिन करा। तो जो इसके साथ के सेशन के बच्चे थे या इसके क्लासमेट्स या इनके सेशन के जितना भी बच्चे थे, तो उनके साथ, उनकी मदर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट करा, उनसे पूछा कि क्या, तो मोस्टली मैंने क्या देखा कि सारे मतलब बच्चों में ये चीज़ की दिक्कत आ रही है। बच्चे एक साल पीछे, मतलब जो चीज़ सीखनी है बच्चों ने, बच्चे अपनी ग्रोइंग एज के एक साथ पीछे चल रहे हैं, तो वो चीज़ का जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ा बिटवीन द टाइम ऑफ द कोविड। कोविड के टाइम में ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा कि हम लोग अपने बच्चों को कम टाइम दे पाए, हम लोग अपने बच्चों को कम टाइम, इन द सेंस मीन्स हम तो अपने कामों में, सारा कुछ घर से हो रहा था तो हम लोग अपने कामों में बिजी थे, हम लोग अपने घर पे सारा कुछ, घर होमवर्क वगैरह सब कुछ घर से हमारे होते थे, तो हम लोग अपने बच्चों को टाइम दे पाए कम, हम अपने बच्चों को गैजेट्स में, मोबाइल्स में, टीवी में, सब में बिजी रखते थे। तो बच्चे क्या है कि उसमें क्या होता है, हम लोग लगा देते हैं टीवी, टीवी चलता रहता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा वो बातें तो कर नहीं पाता। कहते ना, जो पहले हमारे जो खुद के है, हमारी मदर्स भी है, वो हमें भी खुद यही कहती है, पहले क्या करते थे, बच्चों के साथ हम लोग जितना इंटरेक्ट करते थे बच्चा उतनी जल्दी सीखता था। तो अब ये चीज की दिक्कत इसीलिए आई क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्शन हमारी कम हो गई थी, तो बच्चा क्या था, बच्चा वो चीज से दूर भाग रहा था। तो मेरे को ये चीज की पर्सनली, मैंने ये चीज का मतलब इसका सामना करा है, ये दिक्कत का, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके सामने अपना ये चीज जरूर लेके आऊं, तो आपको ये चीज जरूर बताऊं कि हम जितना हो सके हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, जो कि बहुत जरूरी है। तो इस साथ साथ बच्चे चाहे किस तरह का भी कोई क्वेश्चन पुट क्यों ना करें, चाहे वो सिल्ली हो, कई बार बच्चा बहुत कुछ सिखा जाता हमें, तो हमें अपने बच्चों के जवाब हमें देने आने चाहिए कि हम लोग बच्चों को किस तरह से आंसर करें। मुझे याद है मुझसे किसी ने कुछ ऐसे एक बच्चे ने सवाल पूछे थे जिसका मुझे खुद भी नहीं पता था, बाद में मैंने गूगल करके देखा था। मतलब हम लोगों को अपने बच्चों को जवाब देने आने चाहिए, कई बार कई क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास भी नहीं होते, लेकिन हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारा बच्चा हमसे कुछ इस तरह से जवाब क्वेश्चन पुट कर रहा है और हम ऐसे काबिल बने कि हम उनको जवाब दे सके। बच्चा नहीं पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा, तो वो किससे पूछेगा, है ना। बच्चा टीचर से पूछता है ये क्वेश्चंस, या फिर उनके लिए रोल मॉडल जो है वो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स को जो है क्वेश्चंस, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर देने आने चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा होगा कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के अपनी जो मन की बातें हैं वो आपको बता सकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप गाइज आपको भी मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।